MM5 News, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामु अलैकुम, MM5 News के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय दहशत गर्दों को बाहर से मदद मिल रही है, दुश्मनान पाकिस्तान को मुकामी इबरत बनाएंगे वज़ीर आज़म। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि काबीना और गवर्नमेंट ऑफिशियल को खुशामदीद कहता हूँ। कल कोयटा के दौरे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया, शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। शहदा के वर्सा बहुत हौसले में थे। कोर कमांडर कोयटा ने सूबे की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा। मोहसिन नकवी प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सिद्दीकी की ज़ेरे सदारत सेनेट का इजलास हुआ। इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने कोयटा में तफसील के साथ स्टेक होल्डर से गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान की हर डिवीजन के लिए फंड्स मुख्तस किए हैं। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी गवर्नर हाउस बलोचिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से मुलाकात की। मुलाकात में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात की पुरजोर मजम्मत की गई, जबकि शहदा के लवाहिकीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया गया। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए हर सतह पर फौरी इकदाम किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ कि रियासत के सामने हथियार डालने और आइन पाकिस्तान को मानने वालों से सिर्फ बातचीत होगी। जेल इंतजामिया की इमरान खान से सहूलियात वापस लेने की खबरों की तरदीद। अड़ियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियतें दस्तियाब हैं। उन्हें दो मुशक्कतें दिए गए हैं जो दिन के औकात में दस्तियाब होते हैं। इमरान खान की सिक्योरिटी और सेहत का भी खास ख्याल रखा जाता है। उनका कहना था कि इमरान खान को एक और अंग्रेजी रोजनामा रोजाना दिया जाता है। उन्हें वर्जिश के लिए मशीन और वॉक के लिए जगह भी दस्तियाब है। फैमिली इंटरप्राइजेस सियासत से आवामी रिलीफ की तवक्को नहीं की जा सकती। हाफिज नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बुध की मुल्कीर हड़ताल का क्रेडिट पूरी कौम को जाता है। जमात इस्लामी ने पुरमन एहतजाज जदोजहद का ट्रेंड मुतारिफ कराया। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब खाए, अब ये खुद उन्हें खत्म करने का ऐलान करके पहल करे। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, बलोचिस्तान के 10 अजला आफत ज़दा करार। सूबाई हुकूमत ने आफत ज़दा अजला का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतासर अजला में खलात, ज़ियारत, सोबतपुर, लसबिला, अवरान, खिची शामिल हैं। जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद, लोरालाई और चागी में भी आफत ज़दा अजला में शामिल हैं। PDMA ने तमाम मुतल्लिका ज़िला इंतजाम को और इंतजामिया को इकदाम उठाने की हिदायत जारी कर दी है। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga, Postal Code L4W4K2, Contact 905-625-6673.
Malaysia market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كل شيء تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे दहशत गर्दों को बाहर से मदद मिल रही है दुश्मनाने पाकिस्तान को मुकामी इबरत मनाएंगे वजीर आजम वफाकी कैबिनेट के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि काबीना और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को खुश आमदीद कहता हूँ कल क्वेटा के दौरे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की शहदा के वर्सा बहुत हौसले में थे कोर कमांडर क्वेटा ने सूबे की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ वह दहशत गर्दी की इंतहा थी जितनी मजम्मत की जाए कम है दहशत गर्द और खारजी अनासिर मिलकर बलोचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं दहशत गर्दों को बाहर से मदद मिल रही है बलोचिस्तान में नफरत के बीज होने वालों की कोई जगह नहीं है मोरू के करीब शहीद मखदूम बिलावल दादू मोरू पुल के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी का दबाव बढ़ रहा है सैकड़ों देहात जेरियाब आ गए जबकि देहाती नकल मकानी करने पर मजबूर हैं जी बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध के मकाम शहीद मखदूम बिलावल दादू मोरो पुल के मकाम पर इस वक्त मौजूद हूँ मैं यहाँ पे आपको पानी की सूरत हाल बताना चाहूँ नाज़रीन कि यहाँ पर पानी का दबाव बहुत बड़ा बढ़ रहा है यहाँ पर दिन ब दिन पानी की सतह जो है वो बुलंद होती जा रही है और ये भी आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर पानी की वजह से सैकड़ों देहात जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं कच्चे किला के ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं जहाँ पर रहने वाले देहाती जो है मुख्तलिफ बचाव बल और मुख्तलिफ स्कूलों में इस वक्त राष्ट्रपति रहे जी नाज़रीन मैं ये भी आपको बताना चलूँ कि ये दादू मोरो पुल जिसे एशिया की सबसे बड़ी पुल होने का एजाज़ हासिल है यहाँ पर बारिश की मौसम में मोरो और दादू के शहरी यहाँ पर आते हैं इंजॉयमेंट करने और तफरी करने आते हैं और ये भी आपको बताना चलूँ कि बचाव बंद की सूरत हाल इस वक्त तो बेहतर नज़र आ रही है लेकिन महकमा आबपाशी और हुकूमत सिंध की जानिब से किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किए गए और कोई भी अमला यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा जी सरगोधा रिसर्च इंस्टीट्यूट और तहकीकती इदारा बराए चारा जात की नाकिस कारकर्दगी ने किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया स्ट्रेटस की डेवलपमेंट पर काम न होने के सबब सदर चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर पाकिस्तान दोनों महकमा जात की नाअहली पर फट पड़े इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज मलिक अजान से जी अजान आगाह कीजिएगा आज बिल्कुल पाकिस्तान ज़रई मुल्क होने के बावजूद बदकिस्मती से जो सरगोधा का खत्ता है इस हवाले से इंतजामी नहली का मुंह बोलता सबूत सामने है खास बात की जाए तो इंतजामी की जानब से खास तौर पर सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जो किन्नू की डेवलपमेंट के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानब से 1.5 अरब रुपया के करीब जारी होना था उसमें मुबीना तौर पर उसकी जो मुंतकली की जा रही है इस हवाले से सरगोधा के जो किसान हैं जिसमें खास तौर पर सिट्रस से रिलेटेड हैं वो सराय पर एहतजाज हैं इनसे हमसे बात की जाए इस हवाले से आज सरगोधा प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें चैम्बर ऑफ फूड के जो मरकजी सदर हैं चौधरी शौकत जैसे मौजूद हैं जैसे बताइएगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद क्या था ओवरऑल क्या देख रहे हैं जिस तरह किन्नू के किसानों के साथ ओवरऑल महंगी खादें बिजली भी सारी चीज़ हो चुकी हैं क्या कहना चाहते हैं जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद तो जो ज़रात को दरपेश मसाइल हैं इस वक्त मुल्क में उनको उजागर करना था क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ पे किन्नो ग्रोअर्स सोसाइटी के दोस्त भी मौजूद थे और आज हम उस खिता ज़मीन पे मौजूद थे कि जिसके अंदर सिट्रस जो है एक बड़ी फसल के तौर पर काश की जाती है तो सिट्रस को जो मसाइल दरपेश हैं या जो उस वाले से हमारे ज़रूरी तहकीकती इदारों की नाहली है उसको हमने यहाँ पर उजागर किया है और हमने मुतालबा किया है कि ये तहकीक के इदारे हैं तहकीक के इदारों के अंदर एक तो परमानेंट लोगों को अपॉइंट किया जाए और दूसरा जो लोग करप्शन के अंदर मुलव्वस हैं या जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं नाहिल लोग हैं उनको फौरी तौर पर यहाँ पे तब्दील किया जाए और जो करप्शन वो पिछले सालों के अंदर कर चुके हैं उस पर उनकी इंक्वायरी की जाए और बाकी हमने जितने भी इस वक्त ज़रात को जो बिजली का हमारा इशू है इस वक्त फ्लड है मुल्क के अंदर बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्लाइमेट चेंज बुरी तरह से ज़रात और किसानों को मुतासर कर रहा है हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है हमारे जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं लाइफ स्टॉक का है वो सारे के सारे जो हैं उनको जुट जाना चाहिए और हकीकी मायनों में किसानों की वेलफेयर के लिए और ज़रात की तरक्की के लिए काम करने जो वो नहीं कर रहे अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आज हमने इस प्लेटफॉर्म से भी अनाउंस किया है कि सबसे पहले तो हम सरगोधा के इश्यूज़ को लेकर सरगोधा में कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे और फिर सितंबर के अंदर
हमारा पहले से ही ये प्लान है कि हम मुल्कगीर किसानों की एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। तो फिर अगर हमारे यहाँ के मसाइल जो लोकल इश्यूज हैं ये हल नहीं होते तो फिर हम इन्हें मुल्कगीर एहतजाज का हिस्सा बना। आज बिल्कुल यकीनी तौर पर जैसे कि आपने मरकजी सदर चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर चौधरी शख्स की बात को पसंद कर यही कहना है कि सरगोधा की खासतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामी है जो किसानों के मसाइल हैं इनको तरजीब नदों पर हल करें। अगर किसानों के मसाइल हल ना किए गए तो इसको हम सूबाई सतह के बाद वफाकी पर भरपूर एहतजाज करेंगे। जी, दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय लाहौरी फ्लेम्स। We're in Ritchie Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. News Studio से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5. MM5 News. जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।